तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार कोई दूध लाता है, कोई दही लाता है, कोई ना कुछ चीज महाप्रभु को भेंट करने के लिए लाते हैं। अब जब भेंट करने के लिए लाते हैं, फिर वो देख के सची माता तो पहले ही दुख भर में है। अब महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं, अब गृह में वापस नहीं आएंगे, इसलिए सची माता बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे पकवान बनाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे सब्जी बनाते हैं और महाप्रभु को भोग लगाते हैं। फिर महाप्रभु ने संन्यास लेने का यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु को सब लोगों वहाँ पे पूछते हैं कि किस प्रकार का महाप्रभु ने संन्यास क्यों ग्रहण किया। तो महाप्रभु वहाँ से जाने से पहले कुछ उपदेश देते हैं कि आपन गलार मारा सभा करे दिया आज्ञा करे प्रभु सर्वे कृष्ण हो गया, कि अपने गले के माला सबको प्रसादी माला रूप में महाप्रभु देते हैं, शिक्षा देते हैं कि बोलो कृष्ण भोज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम कृष्ण बिनु केहो किछु ना भावी, कि सब लोग क्या करो बोलो कृष्ण भज कृष्ण रहो कृष्ण नाम, ये तीन चीज महाप्रभु शिक्षा दिया संन्यास जाने से पहले नवदीप नामला के रूप, कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जो महामंत्र है वो महामंत्र को ही हमको ठाकुर जी के नाम को ही किस प्रकार हमको ग्रहण करना है वो महाप्रभु शिक्षा देते हैं। जदि आमा प्रति स्नेह थाके सभा कर तबे कृष्ण गति डॉक्टर नगाई दे, महाप्रभु बोले कि तुम सब लोग मुझे प्रीति करते हो ना, नवदीप वासी सबको पूजन, तुम सब लोग मुझे प्रेम करते हो कि नहीं, सब लोग ऑटोमेटिकली हाँ ही बोलेंगे हाँ। तो वहां पे बोलने की जदि आमा प्रति स्नेह था के सभा कर, कि मेरे प्रति अगर तुम्हारे सबका अगर स्नेह है सबका अगर प्रीति है तो तुम्हें क्या करो, तुम सब लोग क्या करो, तबे कृष्ण व्यति रक्त नागाई भैया कृष्ण के व्यति रक्त, जो महामंत्र के व्यति रक्त और कुछ भी नहीं गाना, भगवान के नाम के सिवा और कोई भी चीज तुमको उच्चारण नहीं करना है, बस केवल एकमात्र उपाय तुमको क्या ग्रहण करना है, केवल भगवान का हरि नाम ग्रहण करना है। किसायने की भोजने की वाजा गरने और निश्चित कृष्ण बलवदने, ए मत शुभ दृष्टि करी सभाकार उपदेश करी सबे बल जाओ घरे, कि इस प्रकार किसायने की भोजने की वाजा गरने, कि क्या सोते हुए उठते जागते हुए और हर समय अहर निश कृष्ण चिंता बलवदने, हर समय कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सोते समय हम किस प्रकार का नाम लें, तो यहाँ पे बता रहे हैं अगर हम दिन में अगर हम सोते कितने समय, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटा सब लोग सोते हैं, अगर 7 घंटा से ज्यादा सोते 7 घंटा से अगर दुगुना अगर हरिनाम करोगे ना दिन में, तो 7 घंटा से अगर ज्यादा हरिनाम करोगे तो रात में वही चिंतन होगा। देखो दिन में जो जो हम चिंता करते हैं जो जो ध्यान करते हैं रात में वही सब स्वप्न के रूप में आंख में झलकते दिखाई देता है, तो दिन में अगर हम जितना मात्रा में हरिनाम करेंगे जितना मात्रा में हम भजन करेंगे तो वो उसी प्रकार से ही रात में उसी प्रकार का नाम पूरित होगा। तो यहाँ पे बता रहे जो सुखदेव गोस्वामी उपाध जो बोलते हैं कि अप्रतिहता, जो भागवत में बताया गया ना कि अहेतु की अप्रतिहत या आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि अप्रतिहता निरंतर भाव में किस प्रकार का सेवा किया जा सके, निरंतर भाव में किस प्रकार का चिंता किया जा सके। अब प्रश्न उठता है भैया हम तो घर गृहस्थी करते हैं ऑफिस जाते हैं, हम निरंतर भगवान में भगवान को किस प्रकार का नाम को उच्चारण कर पाएंगे, ये भी प्रश्न उठता है कि नहीं। 24 से 24 घंटा भगवान के नाम में जुड़े रहो, किस प्रकार जुड़े रहो, उदाहरण देते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं, बोले बहुत प्रेम करते हैं, तो जब बच्चे को दूर भेज देते हैं यानी बच्चे को स्कूल भेजते हैं खेलने के लिए भेजते हैं, तो प्रेम क्या घटा देते हैं क्या, प्रेम को रोक लेते हैं क्या, प्रेम को छोड़ देते हैं क्या, बोलते हैं हाँ बच्चे तो गया मैं जब आएगा तब बाद में प्रेम करूँ, ऐसा होता है, चलो गया और बाद में जब आएगा तब प्रेम करूँ, ऐसा नहीं होता है, जब दूर हो जाते हैं वो दुगुना हो जाते हैं। उसी प्रकार हमको ध्यान में वो चीज लाना ही है, हम सब चीज सब काम करेंगे लेकिन हमारे केंद्रभूत कौन है, कृष्ण भगवान का नाम है, भगवान का चिंता है। हम ऑफिस भी जाएंगे किस उद्देश्य से, कि हम कुछ भगवान की सेवा कर सके, उससे कुछ तनख्वाह मिले और उसको हम गुरु विष्णु की सेवा में ला सके, दिमाग को हमको केवल भगवान के जो भजन भगवान के ऊपर केंद्रीभूत करके सब चीज को करना है।
कृष्ण संचार कर हरि अनुचर, भगवान के संसार कृष्ण का संसार अर्थात क्या है, कृष्ण का संसार क्या है, भगवान के जो संसार अर्थात भगवान को केंद्रीभूत करके जो चीज जो संसार किया जाता है। इस प्रकार की हमने मान लो उदाहरण देते हैं जो भक्ति गुरुदेव भक्ति उदाहरण देते हैं, एक आर्टिकल में देख रहा था कि वहां पर उदाहरण बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मानो कोई ट्रेन में टिकट कर रखा है कि तीन चार दिन के बाद उसका ट्रेन में टिकट है, तो जब से टिकट कर लिया और तब से उसका दिमाग में वो चीज है कि मैं किसी दिन किसी समय पे जाऊंगा, उसी दिन भी आ गया, जिस दिन जाएगा उस दिन भी आ गया, उस दिन सब चीज कर रहा है, व्रत कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऑफिस गया, सब चीज किया, लेकिन उसको ध्यान है कि मैं शाम में इसी जगह पे इस प्रकार का मेरा टिकट है। टिकट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि सब काम ही छोड़ दिया, सब करता है लेकिन केंद्रभूत कहाँ है कि मुझे जाना है, और वो भूल जाए टिकट तो कर दिया बस जाना है तो जाना है, अब उसको भूल जाए तो टिकट क्या होगा, वैसे ही रह जाएगा और वो जा ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार का जिस प्रकार हमको टिकट यानी हमको हरिनाम दे दिए गुरुदेव ने, गुरुवर्ग ने कृपा करके भगवान का नाम प्रदान कर दिया, तो वो नाम को हमको केंद्रीभूत करना है, हमारे सारे के सारे काम को करते हुए भगवान के नाम को स्मरण करना है। इसलिए बोल रहे हैं कि अहर निधि, कि हर समय भगवान का नाम किस प्रकार का होगा अगर हम भगवान को केंद्रीभूत करके कुछ चीज को करें तो यहाँ इस प्रकार का यही मतलब शुभ दृष्टि करे सवाकार, इस प्रकार का शुभ दृष्टि क्या मतलब किस प्रकार का शुभ दृष्टि उपदेश करे सवे भले जाओ भरे, सबको उपदेश दिया और महाप्रभु बड़े सुंदर सुंदर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और वहां पे संन्यास ग्रहण करने से जाने से पहले महाप्रभु अपने माता सची माता का चरण छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जननीर पद धूलि लय प्रभु शिरे प्रदक्षिण करी ताने चले लशत्वरे, जननीर पद धूलि लय प्रभु शिरे, जो अपने माता सती माता का चरण धूलि को लेके उनको प्रदक्षिणा उनको परिक्रमा करके प्रणाम करके श्रीमान महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के कैसे संन्यास जाते हैं आगे गुरु जी बताएंगे। पांच एक हरे कृष्ण जय गौर ब्रह्मानंदे बोले सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, ओम अज्ञान निराभ ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभा बोले नारायण गोस्वामी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज श्री केशव भारती का आज आविर्भाव तिथि है, महाप्रभु जी से संन्यास, उनका संन्यास का गुरु श्री केशव भारती। कहते महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करते हैं, कहते महाप्रभु संन्यास ग्रहण क्यों किया है, क्या जरूरत था, क्या बगैर संन्यास के भगवान मिले कि नहीं, इसलिए बोले चार वर्ण और चार आश्रम। चार वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय ये चार वर्ण, कहते चार आश्रम। चार आश्रम में पहले ये नियम होता था, जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले सब
जाते थे गुरुकुल में, जैसे कृष्ण गए थे ना गुरुकुल में, शांति बनी मुनि कहते हो, शांति बनी मुनि जो है ना अभी महाप्रभु लीला में अभी ये केशव भारत बन करके आए, इसलिए कहते ये शांति बनी मुनि नहीं, कहते ये महाप्रभु, कहते ये कृष्ण जी राम भी गए कहाँ पर, अपना गुरुकुल में, देख रामायण देखे कि नहीं, राम भी अपना गुरुकुल में गए, इसलिए वशिष्ठ के पास में, इसलिए पहले ये नियम होता था सबके सब गुरुकुल में बैठने जाते थे, कुल कितना साल तक, मतलब 25 साल तक गुरु गृह में रह करके गुरु जी की सेवा करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, लेकिन जब 25 साल हो जाता था फिर गुरु जी पूछते थे, बोले बेटा बताओ क्या करो, तुम्हारी सारी विद्या पढ़ाई होगी अभी क्या करो, अभी गुरु गृह में रह करके जिनको ये पता चला ये जीवन दुर्लभ है, 84 लाख जन्म के बाद में मिलता है, ये जीवन बारंबार ठाकुर जी नहीं देते, और ये मानव शरीर में ही प्रभु की भजन करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते, मुक्ति मिल सकता है, हैं? फिर वो कहते थे बोले गुरु जी हम तो आपका श्री चरण में रह करके आपकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए हम भगवान की भक्ति करना चाहते, लेकिन जिसको मन में बहुत ज्यादा संसार का विषय की आसक्ति होती थी बगैर शादी के रह नहीं सकता है, हैं? तब गुरुदेव कहते थे अपना घर में जाओ, अपना मनमर्जी शादी नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, कैसी शादी करना, तुम्हारे वर्ण और आश्रम का विधि के अनुरूप, पहले यही होता था ना अपना जात में ही अपना बेटी को देते थे, अपना जात से बाहर बेटी को नहीं देते थे, और बेटी को जो ढूंढते थे बेटा अपना जात में ही बेटी को लेते थे, नियम यही था, इसलिए बोले कारण है क्या, बोले कारण है, कारण यही है अपना जात में कैसे व्यवहार है, पिता माता के प्रति बेटी का कैसे व्यवहार, पिता माता के प्रति कैसे व्यवहार, बच्चे के पिता के प्रति कैसे व्यवहार, को बचपन से देखता है ना ऐसे ऐसे व्यवहार ऐसे करनी चाहिए ऐसे करनी चाहिए, पहले से वो सीखती थी, जब फिर अपना जात में जाती थी फिर वैसे करती थी, है पिताजी को ऐसे व्यवहार करनी चाहिए, माता जी के पास में ऐसे व्यवहार, भाई को ऑलरेडी तो ठीक उसी वर्ण में आश्रम में थी वो देख देख कर क्या आई, फिर आगे क्या करती थी, ठीक वैसे ही अपना व्यवहार करती थी, ये सब नियम होता था, अगर बिना जाति के चले जाओ तो फिर तो तुम वहां पर गड़बड़ी होगी, फिर लड़ाई झगड़ा वहां पर होगी, एक बहू एक तरफ में, सास दूसरे तरफ में, ससुर तीसरे तरफ में, इसलिए बोलते थे घर में जाओ जा करके अपना वर्ण जाति के अनुरूप जैसे पिता माता, आप लोगों ने कौन कौन शादी की हो, हाथ उठा, आप लोगों ने कभी पति को देखने के लिए गए थे, पति देखने आए थे हमें, पति को देखने के लिए आए, देखना नहीं आए, पहले पिता माता जहाँ पर शादी करा देते बेटे को वहीं पर शादी होगी, बेटे को बोल देते थे वहां पर शादी होगी, बच्चे लोग क्या करते थे आंख बंद करके वही पर शादी कर लेते थे, देखने कभी गए हो देखने के लिए नहीं, लेकिन देखो सारा जीवन आनंद से बीत गया, सारा जीवन आनंद से बीत गया, लेकिन अभी युग ऐसा आ गया ना फोटो देखा कभी पसंद नहीं, पता नहीं ऐसे नहीं काली को गोरी होने वाला दिया पर फिर कितना फुट लंबाई कितना ऊंचाई और कैसे क्वालिफाइड कितने पता नहीं क्या क्या करते करते फिर शादी करते तभी नहीं देखती, लेकिन पहले बिना देखे बिना देखे शादी करते आनंद से पूरा जीवन आनंद दिख जाती, अभी हमारे भारत में 40% डाइवोर्स हो रहा है, 40% डाइवोर्स हो रहा है हैं, इसलिए कहते थे अपना जाओ अपना वर्ण जाति का अनुरूप शादी करो, शादी करके अपना घर गृहस्थी को अच्छे तरह से निभाओ, निभा करके सब बच्चों को लिखाया पढ़ाया साधुष्टा करो, लेकिन कब तक, बोले 50 साल तक, 50 साल के बाद में नहीं, इसलिए आता है एकावन बावन ब्रह्मचर्या वृंदावन का भजन करने के लिए, एकावन बावन चौवन है ना बन, ये बन शब्द आता है, जाओ वृंदावन भजन करने के लिए वृंदावन में जाओ, फिर बाण प्रस्थ ग्रहण करो, हैं बाण प्रस्थ ग्रहण करो, बोले कितना साल, बोले 25 साल तक, उसके बाद में फिर सन्यासी, 75 साल के बाद में सन्यासी, है सन्यास ग्रहण करके फिर तो सम्यक रूप में न्यास, मतलब संसार का सारे आसक्ति को तोड़ करके सारे आसक्ति को खत्म करते हुए काय मन वाक्य, जैसे ना देखो जो दंड है ना इसमें तीन है, इसमें तीन अंदर
और एक होता है छोटी सी ऊपर, चार होता है, तीन कारण है कि हमारे कारण है हमारे काय मन और वाक्य। काय मतलब शरीर, मन मतलब मन, और वाक्य मतलब वाक्य को क्या करो, ठाकुर की सेवा में, गुरु जी की सेवा में, काय मन वाक्य को गुरु जी की सेवा में लगा। इसलिए महाप्रभु अभी उन्होंने 26 साल उम्र में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। जिस समय संन्यास ग्रहण किया, ऑलरेडी दो भाई थे, उनका बड़ा भाई का नाम था विश्वरूप, वो तो बचपन से ही बैराग विश्वरूप चक्कर बड़ा देव थे हैं, वो तो तीन भर ठाकुर के मंदिर में बैठते थे और मंदिर से गुरु जी की जाते तो अद्वैत आचार्य गुरु जी थे, जब गीता भागवत पुराण सुनते थे, भगवान की कथा सुनते थे और उनको घर में एकदम मन नहीं लगता था। जब भोजन के लिए समय होता था महाप्रभु जाकर के बुला कर ले आते थे, फिर किसको साथ में बात नहीं करते थे, सीधा आकर के हर घर में पहले ठाकुर जी की मंदिर होता था, चुपचाप ठाकुर के मंदिर बैठ गए और बैठ गए तो भगवान के नाम जप करें। उनको इस संसार में एकदम रुचि नहीं थी। पिता माता ने सोचा इसकी शादी करा दो, संसार में मन नहीं लगता है। वो शादी कराने से पहले जो बात पता चला, मेरे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको पहले से ही संन्यास जिन्होंने लेकर चले। उसको बाद में उनको पिताजी थे कौन, श्री जगन्नाथ मिश्र, वो भी अपना शरीर को छोड़ दिए, अपना धाम में चले गए। फिर महाप्रभु शादी किया, महाप्रभु जब शादी किए पहले उनका एक स्त्री का नाम थी लक्ष्मी प्रिया, लेकिन महाप्रभु जब गया गए अपना पितृपिंड देने के लिए, जब गया गए ना महाप्रभु का विरह में, महाप्रभु मेरे को छोड़ कर चले गए, उनका विरह में ही उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। उसको बाद में उन्होंने विष्णु प्रिया को शादी की, जब विष्णु प्रिया को शादी की अभी महाप्रभु संन्यास लेकर के संन्यास लेना चाहते, जब संन्यास लेना, लेकिन महाप्रभु जब से गया से वापस आए महाप्रभु दिन रात कृष्ण कीर्तन करते हुए, दिन रात जब घर में सालग्राम को पूजा करने जाते हैं, वो सालग्राम काले काले, उनको देखते ही उनको कृष्ण की याद आता है, दिन रात रोते हैं, रो रो करके अपना कपड़ा भिगा देते हैं, कभी हा 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 करते करते कृष्ण प्रेम में हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी लोट पर उठाते हैं, हैं? महाप्रभु का कृष्ण प्रेम में दिन रात महाप्रभु डूबे हुए। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, है संन्यास ग्रहण करूंगा। जब संन्यास ग्रहण करके अभी मैया ने देखा घर में एक विष्णु प्रिया छोटी कम उम्र की, महाप्रभु 26 साल में संन्यास लिया, घर में पत्नी और एक बूढ़ी माँ। पहले तो माताएं कहीं बाहर नहीं जाते थे, हैं? कहीं बाहर नहीं जाते थे, काम करके कहीं नहीं जाते थे, घर गृहस्थ देखते थे और पति क्या करता था, घर का सारे काम पति करता था। अभी भी आप लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अभी तो पति भी जाती है पत्नी भी जाती है, इसलिए गड़बड़ी है, हाँ इसलिए सब गड़बड़ी होता है। इसलिए अब पत्नी अभी घर में कोई है नहीं, लेकिन इसी अवस्था में महाप्रभु संन्यास ग्रहण, इसी अवस्था में महाप्रभु ने संन्यास लिया। जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया, इतने में उन्होंने अपना माँ को बताया, महाप्रभु को रोने लगे, उनको जब मैया थी ना, बोले बेटा अगर तू चले जा, पहले तो तेरा बड़ा भाई चला गया संन्यास लेकर के, जब संन्यास मैं बहुत रोया, इतनी सच्ची मैया रोया, इतने रोई, तब महाप्रभु बोले छोटे बच्चे थे बीमार, बोले मैया चिंता क्यों करती, मैं हूं ना घर में, तेरी सारी सेवा मैं करूँ, इसलिए तेरे को रोने का कोई जरूरत नहीं, बोले तूने मेरे को शांत करा दी, अब फिर जब तुम बड़ा हो गया तू कहे तो संन्यास लोगा, फिर बताओ मेरे ये पाप जीवन फिर कैसे मैं जीवन धारण करूंगा, तेरे मुखा चंद्र को दर्शन करते हुए तो मैं अपना जीवन धारण कर रहा हूँ, तू भी कह दो संन्यास लोगे, मैं कैसे प्राण धारण करूंगा। भैया इतना रोई इतना रोई, है एक ही बेटा, पहले एक बेटा गया पिताजी भी स्वर्गवास हो गया और एक बेटा कहते हैं संन्यास लेना। फिर महाप्रभु उनको एकांत में बैठा समझा, बोले माँ ये मत समझो तू मेरे एक जन्म की माँ हो, एक जन्म की माँ नहीं माँ, मेरे हर जन्म में तू ही माँ बनते हो, जब मैंने राम अवतार में आया ना तो कैसे कौशल्या थी, जब मैंने कृष्ण अवतार में आया तो थी वसुदेव देवकी थी, फिर जब गोकुल में जन्म लिया ना तू ही यशोदा माँ थी, फिर जब कपिल देव में आया फिर तो देवकी थी, जब वामन रूप में आया फिर तुम अदिति थी, इसलिए एक जन्म तो मेरे माँ नहीं, हर जन्म में तुम मेरे माँ ही माँ ही माँ, इसलिए भविष्य में मेरे और दो अवतार होने वाला, कलयुग में मेरा दो अवतार, बोले कौन एक अवतार, बोले कलयुग में एक अवतार और हरि नाम,
जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये एक नाम रूप में कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए नाम रूप में बोले। और कौन सा रूप में बोले, अर्चा विग्रह, जैसे घर में राधा कृष्ण दर्शन, कृष्ण को दर्शन करते हैं, भगवान राम को देखते हैं, नारायण को देखते हैं, घर घर में लड्डू गोपाल है ना तुम लोग का, कहते एक तो नाम रूप में और एक जो मूर्ति घर में तुम्हारे घर में गोपाल रूप में राधा कृष्ण रूप में बैठी साक्षात भगवान, भगवान कह रहे ये दो रूप में कलयुग में मैं अवतार लेने वाला हूँ। कलयुग में जो व्यक्ति मेरे नाम को ग्रहण करेगा, हरि नाम को ग्रहण करेगा, वो साक्षात मुझे ही प्राप्त करेगा। और जो घर में जो मूर्ति तुम्हारे घर में ठाकुर जी, जो ठाकुर को सेवा करते हैं वो साक्षात मेरा ही सेवा करते हैं, वो साक्षात ठाकुर को पूजा करना, उनका स्नान करना, स्वीकार करना, साक्षात रूप में मैं हूँ जो उनकी सेवा पूजा करता है, मेरा ही सेवा पूजा करता है। मैं कलयुग में और दो अवतार लेने वाली, इसलिए भैया कोई चिंता मत करो, जन्म जन्मांतर की मैं तुम बेटा हूँ और तुम्हारी माँ, एक जन्म नहीं सब जन्म, इसलिए कोई चिंता मत करो माँ। मैं लोक शिक्षा करने के लिए, लोक शिक्षा मतलब जब तक कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको उधार नहीं, आप लोग घर का हम सन्यास स्त्रिया है, हम तो घर वाले छोड़ नहीं सकते, सन्यास तो ले ही नहीं सकते, पर हमारी क्या मुक्ति घर नहीं हुई। फिर यहाँ पर कहते हैं सन्यासी मतलब होता है काय मन और बाकियों को तरह ठाकुर को सेवा करते हैं। अगर हम घर में भी रहते हुए हैं, अगर दिन भर ठाकुर का नाम लेते हैं, ठाकुर का सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते पूजा करते हैं ना, अभी सन्यासी, अभी सन्यासी, ये मतलब जो जो सन्यास लेकर के गौर के वस्त्र डंडे ले लिया सन्यासी होते हैं, नहीं तुम लोग भी एक भी सन्यासी नहीं हो है घर में, जो और जो पुरुष लोग घर में दिन भर रह करके ठाकुर को सेवा पूजा चिंतन करते हैं, काय मन वाक्य को भगवान की सेवा में लगा, वही सन्यासी है, है? वही सन्यासी है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये शिक्षा देने के लिए जगत में सन्यास लेनी चाहिए, लेकिन एक दिन आपको भी सन्यास लेना ही पड़ेगा, एक दिन लेना ही। इस जीवन में जितना भक्ति कर रहे हो ये भक्ति तुम्हारी सुकृति बढ़ रही है, सुकृति, फिर अगले जीवन में देखोगे ना, फिर स्त्री रूप में नहीं आओगे, फिर पुरुष रूप में किसी ब्रह्मचारी बन करके आओगे, फिर सन्यास हो गए, क्योंकि एक जीवन में ना, एक जीवन में कहते धीरे धीरे जीव स्टेप बाई स्टेप ऊपर चढ़ते, एक साथ में छलांग नहीं लगा सकते, है? इसलिए आपके संस्कार भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, इसलिए पूरा कहते ना दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए ये धीरे धीरे ये भक्ति बढ़ेगी, अगले जीवन में आपको ब्याज समेत मिलेगी। अभी तो इतने बड़े होने के बाद गुरु वैष्णव को दर्शन हुआ, अगले जीवन में देखेंगे ना किसी भक्त घर में जन्म हो गया तुम्हारे, है? जिनको यहाँ अभी तुम लोग घर में कोई बच्चे जन्म लेते हैं ये मत समझो साधारण बच्चे आए, नहीं, माँ के पेट में रहते समय ना, कहते माँ के पेट में समय है बच्चा, मैया तुलसी परिक्रमा कर रही, माँ के पेट में बच्चा उसका भी तुलसी परिक्रमा हो रही, माँ बैठ कर कथा सुन रहे पेट में बच्चा है, लेकिन माँ तो कथा सुन रही है, तुम्हारे पेट में बैठ कर कृष्ण बच्चा भी कथा सुन रहा है, बच्चा भी कथा सुन रहा है, मैया भोजन कर रही है भगवान का प्रसाद, पेट में बच्चा तो भी ठाकुर का प्रसाद खा रहा है, इसलिए इसलिए जो भ्रष्ट विजय मतलब है, पहले जिन लोगों ने साधन किया, साधन की कमी रह गई, ठाकुर जी क्या कहते उनको भक्त घर में जन्म देते थे, भक्त घर में जन्म होते ही भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनते, इसका मतलब क्या है, वो पूर्व जन्म में बहुत सुकृति पुत्र लेकर के आया है, तभी किसी जीवन में किसी भक्त घर में उसकी जन्म हो गई, साधारण रूप में भक्त घर में जन्म नहीं होता है। इसलिए ऐसे ही धीरे 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 एक दिन सबको सन्यास एक दिन लेना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे बोले माँ लोक शिक्षा के लिए मैं सन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, अगर भगवान को प्राप्त करना तो एक दिन सन्यास लेकर काय मन और वाक्य और उसमें के जीव दंड है, जीव को दंडित करते हुए भगवत सेवा में उसको लगना ही पड़ेगा। इसलिए माँ कोई चिंता मत करना, इधर क्या बात है, उनका जो पत्नी विष्णु प्रिया महाप्रभु जब से गया से आए ना दिन रात कृष्ण नाम लेकर रोते हैं, जब से गया से आए ना तब से जो विष्णु प्रिया थी तब से उनके साथ में कोई बात नहीं है, दिन रात कृष्ण बोल के रोते थे, लेकिन जिस दिन महाप्रभु सन्यास ग्रहण करेंगे उसी दिन क्या हुआ,
जब विष्णु प्रिया सवेरे सवेरे गंगा में नहाने के लिए जाती थी, जब उसने गंगा में नहाने के लिए गई, पहले सब गंगा में नहाते थे, पहले तो कुछ नहीं होता था, पहले सब गंगा यमुना तालाब में नहाया करते थे, बाथरूम तो घर में नहीं होता था, पैखाना घर में नहीं करते थे, इसको अपवित्र मानते थे घर में पैखाना करना, इसलिए सब बाहर होता था, हैं? इसलिए वो जब उसने गंगा नहाने के लिए निकली, निकलते ही उसका जो देहली होता है ना, देहली होता है उसमें उसको प्यार की ठोकर लगती, और ठोकर लगते ही प्यार से खून निकल गए। अगर सवेरे सवेरे किसकी प्यार से लग गई ठोकर लग गया, मतलब क्या है? अवसर नहीं, ये अच्छा नहीं है। सवेरे सवेरे उठते ठोकर लग गया, प्यार खून निकल गया। अभी वो सोच रही है, भैया सवेरे सवेरे फिर खून निकल गई, भैया लगता है मुझे अनुमानी अनुमान है। फिर गई गंगा में नहाने के लिए, जब गंगा में नहाने के लिए नाक का जो बेसर होता है ना, शादी का समय में नाक का बेसर बैठते हैं, इतने में स्नान करते समय नाक की बेसर गई हो गई, जब खो गई, बोले भैया इससे लक्षण है, अपशगुन है, बहुत ढूंढी नाक की बेसर को, लेकिन गंगा से मिली नहीं नाक की बेसर, लगता है आज कुछ अनहोनी होने वाला है। अभी जब घर में आई, बड़ी दुखी होकर के आई, अपना भैया को सारे बात बताए, बोले भैया आज जो मैं गुण देख रहा हूँ ना, सारे अपशगुन दिख रहे हैं, सवेरे निकलते प्यार की ठोकर लगकर खोज निकल गई, शादी का समय का बेसर कहीं खो गए, मिली नहीं, मैं बहुत परेशानी हुई, और मेरे जो डाहन आंख है ना, है ये फड़फड़ा रही है, डाहन भुजा फड़फड़ा रही है, डाहन जगह फड़फड़ा रहा है, इसका मतलब है स्त्रियों का अगर डाहन आंख भुजा अगर फड़फड़ा, ये अपशगुन है, लेकिन पुरुषों के लिए अच्छा, ये पुरुषों के लिए अच्छा है। आज भैया मेरे सारे अपशगुन देख रही हूँ, महाप्रभु जब से उन्होंने गया सायना, उनके साथ में कोई बात नहीं कर सकते, महाप्रभु दिन रात होते थे, लेकिन आज महाप्रभु सन्यास लेकर चले जाएंगे ना, इसलिए महाप्रभु पान की बिड़िया बना करके विष्णु प्रिया को मुंह में पत्नी को खिला रहे, और अपना हाथों से विष्णु प्रिया को फूल से विष्णु प्रिया का श्रृंगार कर रहे, उसको गले में सुंदर माला पहना। अभी विष्णु प्रिया को सवेरे से सारे अपशगुन दिख रहे हैं, वो तो दुखी हो रही है। अब लालटेन कभी जलाया, दीप कब दिया जलाए, हर की नहीं होता है ना, लालटेन नहीं होता है, लालटेन लालटेन नहीं होता है। आप देखना जब वो बुझने को होता है ना, थप 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 करके बुझ जाती है, आप देखेंगे थप थप करके बुझ जाती है, एकदम तेज जल्दी बुझ जाती है। वो सोच रही है, भैया अभी तो महाप्रभु जब से गया सा है तब तक बात नहीं करते थे, आज मेरे को इतना प्रेम क्यों कर रहे, पान की बिड़िया खिला रही है, स्वीकार कर रहे हैं। वो सोच रही है कुछ गड़बड़ी हो है। इतने में विष्णु प्रिया जब से महाप्रभु गया से आए ना, विष्णु प्रिया रात में नहीं आती थी, क्यों? तीन रात महाप्रभु रोते थे कृष्ण नाम लेकर के, उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ऐसे लग रहा है आंखों का पलक को कर में ना, कोई सभा पानी जैसे पत्थर को लग गया, कभी ना जब नींद आती है ना, पलक उठाने पर भी उठती नहीं है, जैसे एक माइंड पे पत्थर, इसलिए कोशिश कर रही है आज मैं सोच रही, लगता है कुछ अनहोनी होने वाले हैं, हैं? आज क्या कोई बजरे गिरने वाले, वो चाहती है मैं जगी रहूं, भगवान ने जो माया को बुलाया, बोली विष्णु प्रिया को सुला दो, विष्णु प्रिया को सुला दो, और इतने आपकी पलक कोशिश की, पलक उठाने के लिए उठा नहीं पा रहे, विष्णु प्रिया सो गई। जब विष्णु प्रिया सो गई, इतने में महाप्रभु सवेरे सवेरे उठे, पहले तो घड़ी नहीं होता था, तारा को देख कर तो पता चल जाता था क्या इतना समय हो गया, इतना प्रहर हो गया, वो तारे को देख करके पता चल जाता था। महाप्रभु देखा ये ब्रह्म मुहूर्त है, अभी सवेरे सवेरे तारा, ये तारा है यहाँ पर आ गया, मतलब सवेरे होने वाले। इतने में महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ करके आ रहे, वहीं पर सतीमा दरवाजे में खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने केवल पांच व्यक्ति को बोले थे इतने संन्यास ग्रहण करने वाले, भैया को पता आज मेरा बेटा संन्यास लेकर चला जाएगा, भैया तुम लकड़ी जैसे एकदम खड़ी है, भैया दरवाजे के सामने सोई नहीं। महाप्रभु आए, अपना माँ को परिक्रमा की, प्रणाम करके महाप्रभु सन्यास लेकर चले। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास लेकर महाप्रभु चली गए। कहाँ गए महाप्रभु? आप नवद्वीप कौन बन गए हो, कौन पर नवद्वीप? हम जाते हैं ना स्नान करने के लिए घाट में, बहुत गड्ढा होता है, उसका नाम निर्दय घाट। महाप्रभु निर्दय होकर के, दया शून्य होकर के, महाप्रभु अपना जैसे छाती के ऊपर पत्थर रख करके
है, उन्होंने वहीं पर महाप्रभु तैरते हुए, माघ की महिना थी, वहीं पर महाप्रभु तैरते हुए कटक नगर में कटुआ के स्थान, कटुआ कौन कौन गए, महापूजा सन्यासी दो चार गए, कोशिश करना जीवन में एक बार नगर में जाने की, ठीक है ना। इसी अगर इस साल तो जा रहे हो तो जा रहे हो, उस साल जा रहे हो। हाँ, इस साल कौन कौन जा रहे हो, दो चार, और अगले साल के लिए आज से एक एक रुपया अपना है ना बक्सा में काला बदल के जमा करते हैं, हाथ में हो 10 रुपया, अभी 10-10 रुपया हो जो हाथ में पैसा हो उसमें डालते रहो, इसमें डालते रहो, ठीक है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने वहीं पर उन्होंने कटक नगर मतलब काटुआ जहाँ पर संन्यास लिया वहीं पर महाप्रभु गए, और सारे जिन जिन भक्तों को बोले थे सारे भक्त लोग आ गए वहीं पर, और वहाँ के आस पड़ोस पड़ोसी लोग आ गए हैं, वहाँ पर एक नाई, हाँ वो नाई भी आ गया महाप्रभु मुंडन करने के लिए, नाई भी आ गया, लेकिन महाप्रभु इतने सुंदर केश, भगवान का है ना, इतने घुंघराले केश महाप्रभु था, उनके हाथ नहीं जा रहा था काटने के लिए केश मुंडन करने, वो रो रहा था इतने सुंदर केश को मैं कैसे काट लूं, एकदम सुंदर है, एकदम घुंघराले सुंदर कृष्ण का जैसे केश है। इतने में भगवान ने फिर नाई के ऊपर में भी अपना योग माया को जरा माया को फिराया, बड़ी कष्ट से महाप्रभु का मुंडन किया, जब मुंडन किया वहीं पर महाप्रभु को जगत गुरु, महाप्रभु जगत गुरु कहते ना कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये जगत गुरु है, फिर इनका गुरु कैसे बन सकता है, इनका गुरु कैसे बन सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया अपना गुरु जी को बोले गुरु जी मैंने रात में स्वप्न देखा है एक दिव्य महापुरुष आकर के मेरे को ये मंत्र दिया, देखो तो आप क्या मेरे को यही मंत्र दोगे, बोले बताओ कौन सा मंत्र, तो महाप्रभु को कान में बोले ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। उनको कान में ये मंत्र दिया, राम ने मेरे को महापुरुष मंत्र दिया, आपने यही मंत्र दोगे, बोले हाँ मैं तो यही मंत्र देना चाह रहा था। इसका मतलब क्या है, महाप्रभु पहले उनका चेला बना दिया, अपना गुरु जी को चेला बना दिया, अपना गुरु जी को पहले महाप्रभु मंत्र सुना दिया ना, अब जिससे पहले मंत्र सुनोगे उनको तुम्हारा शिष्य बन गया ना, इसलिए महाप्रभु पहले उनको अपना शिष्य बना दिया, शिष्य बना करके फिर उनको कानों से फिर उन्होंने दोबारा महाप्रभु मंत्र को ग्रहण किया, और संन्यास का नाम क्या पड़ा, श्री कृष्ण चैतन्य, बोले श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा, इसका कारण क्या, इसका मतलब क्या, चैतन्य मतलब होता है चेतनता का ज्ञान है, ज्ञान कौन सा, बोले श्री कृष्ण महाप्रभु संन्यास लेकर क्या किया, सर्वत्र महाप्रभु भ्रमण किया और घर घर में जा जा कर महाप्रभु नाम को उन्होंने प्रचार किया, कृष्ण रूपी चेतनता को उन्होंने सर्वत्र कृष्ण रूपी चेतनता को जिन्हें सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। देखो उनका प्रचार का फल मायापुर नवद्वीप में उन्होंने कीर्तन किया, जगन्नाथपुरी में अलग अलग जगह में गए, और महापुर का भविष्यवाणी का किया एक दिन ऐसा आएगा गांव गांव में शहर शहर में सबके सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन आएगा सर्वत्र भगवान का नाम दुनिया में फैलेगा, देखो बड़ोदरा में फैल रही है, यहाँ पर भी गौड़ी बैठा गया, गांव में भी जा रहे हैं, हाँ यहाँ पर भी गौड़ी बैठा गया, केवल यहाँ पर नहीं नवद्वीप में जो गए आप देखे कितने कितने हजार हजार लोग पृथ्वी का लोग आते हैं वहाँ पर है, अब देखना जैसे हमारा काशी से जाता है कितने लोग होते हैं देखे कि नहीं, मंदिर से जब निकलते हैं ना एक घंटा बाद में देखना मंदिर से निकलते जाए खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कितने लंबी वीक तक लंबी है खत्म नहीं, जब हमारे पार्टी को फिर दूसरे मंदिर का पार्टी जब दोनों पार्टी में मिल जाता ना वाह भाई, और ऐसे कितने पार्टियां वहां पर कितने पार्टी सबके सब सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, सबके सब कीर्तन करते हुए भगवान के नाम लेते हुए नाचते कूदते हुए
वहां पुत्र में परिक्रमा करते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थों को अगर करोड़ों करोड़ बार परिक्रमा कर ले, जो उसको पुण्य मिलेगा एक बार श्री नवद्वीप धाम का परिक्रमा कर लिया ना, उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा एक बार श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से। इसलिए जैसे हरिदास ठाकुर पहले के ब्रह्मा थे, कृष्ण का बछड़े सखाओं को चोरी किया, जब पता चला कि कृष्ण भगवान, फिर सोचा भैया मैं तो ठाकुर के चरण अपराध कर चला, ठाकुर के बछड़े सखे को चुरा लिया, अभी अपराध से माफी कैसे मिलेगा, कृष्ण चरण को तो माफी मांगे, लेकिन देखा कृष्ण हृदय से हमें माफ नहीं किया, फिर उनने अपना दिव्य दृष्टि से देखा, यही कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बनकर के श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगे, और नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करके सर्वत्र हरि भक्ति प्रचार करेंगे। भगवान अपना अंतर की बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बोले, अपना अंतर दीप है, इसलिए महाप्रभु का जो जन्म स्थान है ना, उसका नाम है अंतर दीप आत्मनिवेदक, ये अंतर दीप स्थान है। इसलिए फिर इंद्र ने किया क्या, 7 दिन तक बारिश बरसाया, और कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, फिर इंद्र को जब पता चला कि मेरे प्रभु है, फिर कृष्ण को उन्होंने माफी मांगी, लेकिन देखा कृष्ण हृदय से माफ नहीं किया, फिर अपना दिव्य दृष्टि से देखा यही कृष्ण ही कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि नवद्वीप में जन्म ग्रहण करेंगे। फिर इंद्र आकर के उन्होंने क्या किया, फिर इंद्र आकर के जो बोधरूम दीप है वहीं पर उन्होंने पटवृक्ष के नीचे बैठ करके इंद्र ने फिर गौर हरि को आराधना किया। जिन जिन्होंने कृष्ण लीला में राम लीला में अपराध किया है, अगर उन्होंने देखा अगर कोई नवद्वीप धाम में जाए और वहां पर भगवान की साधना भजन करे, उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए नवद्वीप धाम जाने से हमारे जितने पाप है ना, सब पाप हमारी नष्ट हो जाएगा नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से। इसलिए उसका विशेष विशेष उसकी महत्व, वो नवद्वीप धाम नहीं कि राधा रानी अपना हृदय से नौ कुंज कितना कुछ बने, हाँ बोले कुछ उन्होंने क्यों बनाया, इसलिए राधा रानी देखती थी कृष्ण ठीक एक समय आने पर नहीं बोले, कहीं छुप करके चले जाता है बिना बोले, अगर पति अगर कहीं बाहर जाता है बोल कर जाता है कि नहीं, देखो हम काम पर जा रहा हूँ काम कर खत्म कर मैं आ जाऊंगा, बोल कर जाता है कि नहीं, लेकिन अगर पति बिना बोले छुप छाप कर कहीं जाए फिर पत्नी को क्या लगता है, भैया दारू में साला तो नहीं है। फिर जब कृष्ण आते है ना, ऐसे लगता है कि उनका जो मन है ना थोड़ी बेमन लगता है, मन थोड़ा चंचल है, राधा रानी समझ रही कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक दिन राधा रानी ने क्या की, अपना एक सखी को पीछे लगा दिया, बोले देखो तो ये कृष्ण कहाँ जाते हैं बिना बोले, ठीक इस समय पर क्यों चले जाते हैं, और जब आते हैं ना उनका मन हमको ऐसे लगता है उनका मन जैसे है थोड़ा बेमन है, लगता है कुछ गड़बड़ी है लगते कर तो। एक दिन कृष्ण जब गए, वो जो सखी थी ना वो कृष्ण का पीछे 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 गई, क्या करते छुप कर, देखा बात सही है, एक सुंदर स्थान वृंदावन में से जमुना बह रही है, नवद्वीप गए ना वहां पर गंगा बह रही है, जैसे वृंदावन में कमाल कदम वहां पर कौन सा पेड़ है, नवद्वीप में बोलो नारियल का पेड़, आम का पेड़, कटहल का पेड़, देखे कि नहीं बड़ा सुंदर, बेली चमेली चुनी बड़े सुंदर स्थान है, और वहां पर एक सखी जिसका नाम बिरजा, तो सखी का नाम धीरजा, देखने में बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी है, कृष्ण जा करके एकांत में वो सखी को साथ में लेते हैं, जब ये सखी ने देख लिया ना आ करके बोले राधे तू जो सोच रहे थे सही बोल रहे हैं, मैंने अपना आंखों से देखा ऐसे एक सुंदर धाम वृंदावन जैसे, वहां पर गंगा नदी बह रही है, एक सुंदरी सखी जिसका नाम बिरजा, कृष्ण वहीं पर उनके साथ में एकांत में मिलते हैं, एक राधा रानी सुन करके तो नाराज हो गए, राधा रानी आई इतने में कृष्ण जब देखा राधा रानी आ गई, और कृष्ण तो डर मार भाग देखा है, और वो सखी थी ना जो बिरजा वो द्रवीभूत होकर के नदी बन गई, हां द्रवीभूत होकर उसने एक नदी बन गई, उनका नाम राधा है, राधा राधा मतलब क्या, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जिनकी आराधना करती है, जो कृष्ण की सेवा करती है आराधना करती है राधा है, कृष्ण जो चाहती है उनको इच्छा भी इच्छा मिलाकर कृष्ण की सेवा करती है, तो राधा रानी ने देखा ओ ये स्थान कृष्ण को बहुत प्रिय है, ठीक है कोई बात नहीं, तब राधा रानी
उन्होंने वहीं पर खड़ी होकर राधा रानी बंसी बजाई। जब राधा रानी बंसी बजाई इतने सुंदर बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि को सुनकर कृष्ण रह नहीं पाए, श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए। जब वहीं प्रकट हुए अब प्रकट होकर के ना इतने में देखा राधा कृष्ण दोनों धीरे 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 मिलते मिलते दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए, एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। बोला श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु बन गए। फिर क्या जितने जितने उनका सखियां थी ना, बोले ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के महाप्रभु हो गए तो पुरुष बन गए। वो जो ललिता थी ना वो भी अपना स्वरूप दामोदर बन गए। जो विशाखा थी राय रामानंद, जो रूप गोस्वामी रूप मंदिर रूप गोस्वामी, सब के सब पुरुष बन गए। और वहीं पर उन्होंने खूब सुंदर भगवान की कीर्तन किया है, बड़े सुंदर कृष्ण की बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब कीर्तन किया, जब कीर्तन किया तब राधा रानी देखा ओ कृष्ण को ये स्थान बड़ा प्यारा है। तब राधा रानी अपना हृदय से जो नवद्वीप धाम है ना वो टापु नहीं, वो एक है कि कुंज। राधा रानी कृष्ण के लिए सुंदर बेली चमेली जुई सुंदर फूल देकर के सुंदर कुंज निर्माण किया, इसलिए कि नवद्वीप धाम नहीं राधा जी के हृदय से ये ना कुंज प्रकट हुआ। राधा रानी जैसे दयालु राधा रानी, बड़ी कृपालु राधा रानी, इसलिए वो धाम भी बढ़ देगा। अगर कोई वहां पर जाए ना जो कुछ मांगे सब चीजें मिल जाती है, सारे पाप दूर हो जाएगा, भक्ति मिलेगी प्रेम मिलेगी हैं, महाप्रभु चरण में भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये नवद्वीप धाम विशेष महिमा, आज श्री केशव भारती का जन्मतिथि है, महाप्रभु का गुरुदेव सबको पर उनका आशीर्वाद हो हम सबको पर में, जैसे हम नवद्वीप धाम परिक्रमा करें महाप्रभु का भक्ति प्राप्त हो। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे जय।